जी नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे इनटू का प्रयोग। लेकिन हम पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इन, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में हैं। इनका प्रयोग हम कहाँ करते थे? इनका प्रयोग बड़े देश, प्रांत, महाद्वीपों के साथ। और इनका प्रयोग कहाँ करते थे? जहाँ पर किसी चीज़ की आर्थिक स्थिति बताई गई हो। या इनका प्रयोग हम वहाँ भी करते थे जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर स्थित हो, यानी निश्चित स्थान के अंदर स्थित हो, वहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं। चलिए देखते हैं इनटू। इनटू इसका प्रयोग भी मे के अर्थ में होता है। देखिए, जो इनटू है इसका भी प्रयोग मे के अर्थ में होता है और इनका भी प्रयोग मे के ही अर्थ में होता था। देखिए, जब वस्तु या व्यक्ति बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करें, जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। चाहे वह उछल कर आए, कोई चीज़ प्रवेश करे, या कूद कर आए, या रेंग कर जाए, या अचानक प्रवेश कर जाए, किसी भी तरीके से प्रवेश कर जाए, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे सी केम, वह आई इनटू गार्डन। कहाँ आई? बगीचे में। वह बगीचे में आई, तो वहाँ पर देखिए इनटू जो है आपका ये एक प्रीपोजिशन है। इसका प्रयोग कहाँ पर हुआ? कोई आया है बगीचे में, आया है। अब कैसे आया है? धीरे धीरे कदमों के द्वारा आया है, या बहुत तेज़ी से आया है, या दौड़ के, लेकिन आया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, द डॉग, कुत्ता फेल गिरा इनटू द वेल, कुएं में। कुत्ता जो है कहाँ गिर गया? कुएं में गिर गया। यहाँ पर भी देखिए इनटू आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। ही गॉट इनटू ट्रेन, वह ट्रेन पकड़ी। यहाँ पर भी क्या है? इनटू प्रीपोजिशन है, या वह ट्रेन में प्रवेश की। अब दौड़ के आई या धीरे से आई, लेकिन वहाँ पर क्या है? इनटू का प्रयोग होगा। राम जंप्ड इनटू रिवर। राम जो है जंप्ड मींस कूदा। अब कितनी तेज़ी से, यानी दौड़ कर कूदा या धीरे से आराम से कूदा, लेकिन जैसे भी कूदा, कोई चीज़ गति करके वह पानी में प्रवेश किया, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा? इनटू का प्रयोग होगा। ये बात ध्यान रहे आपको। और देखिए इनटू का प्रयोग कहाँ होता है? और देखिए यहाँ होता है, जब कोई चीज एक अवस्था से दूसरे अवस्था सही है ना भाई, देख लेना, अवस्था में बदली जाए तो वहाँ इनटू का यूज होगा। ध्यान रहे, कह रहे हैं जब कोई भी चीज़ है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदली जाएगी थी, तो वहाँ पर भी किसका प्रयोग होगा? इनटू का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, देखिए एग्जांपल में क्या है, कोई भी चीज़ है एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में बदलेगी तो वहाँ पर भी किसका प्रयोग होगा? इनटू का प्रयोग होगा। जैसे चेंज दिस टॉपिक इंग्लिश, चेंज दिस टॉपिक इंग्लिश, इस टॉपिक को इंग्लिश में बदलो। मे शब्द आया ना, मे यानी चेंज दिस टॉपिक इनटू इंग्लिश। कोई टॉपिक है यानी किसी दूसरी भाषा में है, उसको बदलने के लिए कह रहे हैं। किस भाषा में बदलने के लिए कह रहे हैं? इंग्लिश में बदलने के लिए कह रहे हैं। आगे देखिए, एक भी और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। आगे देखिए क्या हो सकता है, ही मेड मिल्क इनटू चीज। ठीक, ही मीन्स वह, मेड मीन्स बनाई, मिल्क मीन्स दूध को, इनटू मीन्स में, किस में?
चीज़ यानी पनीर में, यानी वह दूध को किस में परिवर्तित कर दी, पनीर में बदल दी। ठीक है, तो वही हम बताएं इनटू का प्रयोग कहाँ होगा। इनटू का प्रयोग है जब हम किसी चीज़ में प्रवेश करेंगे, यानी किसी एक बाहर बाहरी वातावरण से किसी अंदर वातावरण में, यानी किसी भी जगह से दूसरी जगह जब हम प्रवेश करेंगे वहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा, या जब कोई चीज़ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलेगी तो वहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। चलिए देखते हैं बच्चों ऑन, ऑन का प्रयोग कहाँ होगा। देखिए ऑन, एक मिनट आपको दिक्कत ना हो थोड़ा, ऑन का अर्थ पर या के ऊपर, ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर किसी चीज़ के, मान लीजिए कोई चीज़ है इसके ऊपर, देखिए ये बॉक्स बनाए हैं इसके ऊपर कोई चीज़ है ना, कोई बात। ऑन का अर्थ पर या के ऊपर एक दूसरे के स्पर्श में हो, यानी कोई भी वस्तु जब किसी चीज़ के ऊपर हो तो और एक दूसरे को टच करती हो यानी छूती हो, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। ठीक है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक यानी जो बुक है, इज मीन्स है ऑन द टेबल, किस पर है, मेज पर। कोई बुक है वह मेज के ऊपर है, यानी मेज को क्या कर रही है, छू रही है, स्पर्श कर रही है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, दे आर लाइंग ऑन योर बेड, दे मीन्स वे आर लाइंग, पड़े हुए हैं, वे पड़े हुए हैं ऑन योर बेड मीन्स अपने बेड पर, वह अपने बेड पर पड़े हुए हैं। अब कोई भी व्यक्ति है वो अपने बेड पर पड़ा रहेगा या सोया रहेगा, तो ऐसा तो है नहीं बेड के कुछ ऊपर सोया रहेगा, शायद उससे टच रहे, सही है। बेड पे कोई भी पड़ेगा या सोएगा तो बेड पे के ऊपर एकदम स्पर्श रहेगा ना, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ऑन का। देखिए तीसरा जो इसका रूल है, डेज कोई भी दिन हो और डेट कोई भी तारीख हो, उसके पहले ऑन का प्रयोग होता है, बात ध्यान रहे। कोई भी डेट या कोई भी डे हो वहाँ पर उसके पहले ही किसका प्रयोग होगा, ऑन का। ही शुड कम, उसे आना चाहिए ऑन मंडे, कब, सोमवार को। माई बर्थडे इज ऑन 18 अप्रैल, मेरा जो बर्थडे है वह कब है, 18 अप्रैल। यहाँ पर ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, यहाँ पर भी ऑन प्रीपोजिशन, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, आपको हम बताए हैं कि कोई अगर तारीख, देखिए यहाँ पर 18 अप्रैल क्या है, एक डेट है, और मंडे क्या है, एक दिन है। तो ध्यान रहे कोई भी डेट हो या कोई भी दिन हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, उसके पहले ऑन का प्रयोग करेंगे। ध्यान से सुनिए, संबंध के लिए भी ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है, के संबंध के लिए भी ऑन का प्रयोग होता है, के संबंध के लिए ऑन का प्रयोग होता है। जैसे ही रोट ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, ही रोट ए बुक, वह एक किताब लिखा ऑन इंग्लिश ग्रामर, यानी किसके ऊपर लिखा, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, यानी किसके संबंध के लिए है ये किताब, किसके लिए है, इंग्लिश ग्रामर के लिए है। दूसरा भी हो सकता है, दिस इज ए बुक ऑन मैजिक। यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन क्यों आया, दिस इज ए बुक, यह बुक है किस पर है, मैजिक, जादू पर यह किताब, यानी यह जो किताब है किससे संबंध है, जादू से। तो के संबंध के लिए भी किसका हम प्रयोग करेंगे, ऑन का। ठीक है, ओवर, देखिए बच्चों अब हम ओवर देखते हैं, ओवर का यूज हम कहाँ करते हैं, ओवर देखिए, अगर किसी चीज़ के ऊपर, जैसे इसका पॉइंट लिख लीजिए, अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण हो तो वहाँ ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे क्या है, जैसे हो जाएगा, यू पेंट
ओवर द वॉल, ठीक। यू पेंट ओवर द वॉल, अभी हम बताएं ओवर का यूज कहाँ होगा। ओवर का प्रयोग हम वहाँ पर करेंगे जब किसी वस्तु पर किसी चीज़ का एक आवरण चढ़े या एक परत बने या परत चढ़े, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई बोला यू पेंट, आप पेंट कर दीजिए ओवर द वॉल, किस पर, दीवार पर आप पेंट करिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, पुट ए ब्लैंकेट ओवर हिम, कोई बोल रहा है पुट ए ब्लैंकेट ओवर हिम, उसके ऊपर एक क्या रख दीजिए, ब्लैंकेट रखिए। एक ब्लैंकेट यानी एक चादर रखेंगे तो उसके ऊपर एक आवरण बन रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर जो भी कोई है एक आवरण बन रहा है, और समझिए कि एक परत उसके ऊपर रखी गई है। तो वहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ओवर का प्रयोग और कहाँ हो सकता है, दूसरा पॉइंट है जब कोई वस्तु कम ऊंचाई पर हो तो वहाँ ओवर का यूज होता है। एग्जांपल में क्या हो सकता है, जैसे कोई भी चीज़ हो, जब कोई वस्तु कम ऊंचाई पर हो वहाँ पर, यानी एक दूसरे को स्पर्श न करे। कह रहे हैं जब कोई वस्तु कम ऊंचाई पर हो और एक दूसरे को स्पर्श ना करे, यानी ऊंचा हो, बहुत अधिक ऊंचाई नहीं, कम ऊंचाई पर हो, एक दूसरे को स्पर्श ना करे, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन ओवर का हम प्रयोग करेंगे। एग्जांपल में देखिए, द ब्रिज, द ब्रिज वाज ओवर द रिवर, देखिए द ब्रिज वाज बोल्ट ओवर द रिवर, एक क्या बना है, ब्रिज बना है किसके ऊपर, नदी के ऊपर। जो भी ब्रिज या पुल बनते हैं नदी के ऊपर, क्या बहुत ऊंचाई पर नहीं होते हैं, थोड़ी कम ही ऊंचाई पर होते हैं, जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देयर इज ए फैन ओवर योर हेड, देखिए यहाँ पर क्या है एग्जांपल, देयर इज ए फैन, एक फ़ैन है ओवर योर हेड, आपके सर के ऊपर एक क्या है, फैन है, आपके सर के ऊपर एक फ़ैन है, फैन जो है आपके सर से टच तो नहीं कर रहा है ना, बहुत अधिक ऊंचाई पर भी नहीं है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, मैं आशा है। तो आपको ये बात समझ में आई, ओवर का प्रयोग कहाँ करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे जब किसी चीज़ पर किसी चीज़ का आवरण हो वहाँ ओवर का प्रयोग होगा, और कोई भी चीज़ हो जो एक दूसरे को स्पर्श ना करे यानी कम ही ऊंचाई पर स्थित हो तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए अगला पॉइंट, कहीं ढकना लिखा हो गया, किसी चीज़ को ढका जाए या कोई चीज़ दूसरी तरफ हो और ढकना दूसरी तरफ, या फिर या उस पार हो तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग होगा। जैसे पुट, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे पुट ए ब्लैंकेट ओवर हर, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट रखिए। यहाँ पे भी हम पिछले ही सेंटेंस में बताए हैं ओवर का प्रयोग, जहाँ पे बताए हैं ढकने के लिए हो या कोई आवरण हो, तो यहाँ पुट ए ब्लैंकेट, कोई एक ब्लैंकेट किसी के ऊपर रख रहा है, वहाँ पे रखेगा तो ज़रूर वो व्यक्ति ढका जाएगा, तो किसका प्रयोग होगा, ओवर का। दूसरा भी एग्जाम्पल है, प्लीज पुट ए प्लेट ओवर पैन, ठीक। कोई बोला
पुट प्लीज़ कृपया पुट ए प्लेट, एक प्लेट रख दीजिए, पैन यानी वही जो पैन रहता है खाना बनाने के लिए, कढ़ाई समझिए, ठीक है, वहाँ पर उसको ढकने के लिए बोल रहे हैं कि। और अगला एग्जांपल भी देख सकते हैं आप, जैसे मोहन लिप्स, मोहन लिप्स ओवर दिस माउंटेन, मोहन लिव दिस, मोहन लिव्स, मोहन रहता है ओवर दिस माउंटेन, इस पर्वत के या इस पहाड़ के उस पार मोहन रहता है, ठीक है। तो अभी हम बताए हैं आपको कि दूसरी तरफ या उस पार के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए एवब का प्रयोग कहाँ होता है, एवब का प्रयोग देखिए, पहला पॉइंट यह है कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक ऊपर हो, ठीक, कहे हैं कि जब कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु से अधिक ऊपर हो, यानी कम ऊपर ना हो। अभी जो बताएं ओवर का प्रयोग कि ब्रिज के लिए, ब्रिज नदी से बहुत ऊंचाई पे तो है नहीं, लेकिन आपको पता है पृथ्वी से जो आसमान है वो बहुत ऊंचाई पर है, ठीक है। तो ये बताए हैं जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक ऊपर हो, यानी अधिक ऊँचाई के लिए, किसके लिए, अधिक ऊँचाई के लिए ओवर का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, प्लेन, सॉरी एरोप्लेन लिखिए, प्लेन मैदान भी हो जाएगा, एयर क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट वाज फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स। देखिए एयरक्राफ्ट वाज फ्लाइंग, एयरक्राफ्ट उड़ रहा था एबव, एबव द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर, ठीक है, बादलों के ऊपर। अब बादल से एयरक्राफ्ट की ऊंचाई शायद बहुत अधिक है, आपके पुल और ब्रिज से अधिक ऊंचाई पर है, ठीक है। और आगे देखिए दूसरा एग्जांपल, पहला हो गया, दूसरा भी देखिए, स्टार इज शाइनिंग, स्टार इज शाइनिंग ओवर द अर्थ। देखिए स्टार इज शाइनिंग, स्टार्स यानी तारे, स्टार्स यानी तारे इज शाइनिंग, चमक रहे हैं ओवर द अर्थ यानी पृथ्वी के ऊपर, यानी पृथ्वी से काफ़ी ऊंचाई पर आपको तारे दिखते हैं, ना कि बहुत नज़दीक, बहुत ऊंचाई पर दिखते हैं, इसलिए वहाँ पर भी किसका प्रयोग होगा, ओवर का प्रयोग होगा। और भी पॉइंट है ओवर का प्रयोग, देखिए हम कहाँ करते हैं, देखिए अगला पॉइंट है, एबव का प्रयोग लेवल बताने, एबव का प्रयोग लेवल बताने और, सॉरी, लेवल बताने के लिए होता है, एवब का जो प्रयोग है लेवल बताने के लिए होता है। अब लेवल कैसा हो सकता है, लेवल वेट का भी हो सकता है कि वो 5 किलो का है, आप 10 किलो के हैं, उसमें लेवल है 5-10 किलो में। लेवल आपके एज का भी हो सकता है कि हम 8 साल के हैं, वह 12 साल का है। और कहाँ लेवल हो सकता है, आपके टेम्परेचर में लेवल हो सकता है कि यूपी में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो महाराष्ट्र में 32 है, तो लेवल है हाई ऊपर लो सब होता है। प्राइस भी हो सकता है, ठीक है, प्राइस का भी लेवल है एक कि यहाँ किसी वस्तु की मांग या उसकी प्राइस जो है कम है और दूसरे जगह कहीं पर उसका लेवल हाई है यानी अधिक महंगी है।
इन सब के लिए भी किसका प्रयोग होगा? एबव का एग्जाम्पल देखिए, ही इज एबव 30, ही इज एबव 30, ही मीन्स वह, इज मीन्स है एबव 30, यानी 30 से वह बहुत अधिक है। ठीक है, लेवल बता रहा है ना कि वह 30 से बहुत अधिक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द वाटर इज, द वाटर इज फ्लोइंग एबव डेंजरस लेवल। देखिए, द वाटर इज फ्लोइंग, जो पानी है बह रहा है, कहाँ बह रहा है? एबव डेंजरस लेवल, यानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। तो यहाँ भी लेवल ही है कि खतरा का निशान है, खतरे के निशान से नीचे है। तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग होगा? एबव का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से आपको शायद समझ में आ रहा है, हमें उम्मीद है ये।